हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मलाई से घी कैसे निकाल सकते हैं ये दिखाएंगे वीडियो में निकाल के। ये मलाई है जो हमने दूध से निकाल लिया है। अब इसको हम एक पतीले में निकाल लेंगे और उसको मथने के लिए हम मथने का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम देसी तरीके से मक्खन निकाल रहे हैं। हम चाहे तो इसको ग्राइंडर में भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम देसी तरीके से निकाल रहे हैं। अब हम इसे मथेंगे, कम से कम हमें 5 मिनट लग जाएगा इसको मथने के बाद। देखिए ये क्रीम जैसे दिखाई देने लग गया। इसको हम जैसे जैसे मथते जाएंगे ये क्रीमी होते जाएगा और फिर हमारा जो मक्खन है, मलाई से मक्खन, वो ऊपर आ जाएगा। देखिए अब हमारा मक्खन ऊपर आ गया है। देखिए इसके बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, मक्खन को चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। इसे पानी अलग कर देंगे मक्खन निकालते समय। देखिए हमारा मक्खन निकल चुका है। अब हमें मक्खन से घी निकालना है, तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उस पर हम इस मक्खन को डाल देंगे। देखिए हमने ये बटर मिल्क है, हमने मक्खन पूरा निकाल लिया है इससे। इसमें आप मिर्च नमक डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं छाछ के रूप में पीने के लिए, या फिर इसका सब्जी भी बना सकते हैं। अब हमने कढ़ाई में मक्खन को डाल दिया है, अब हमें इसे पकाना है। लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा मक्खन धीरे धीरे अच्छे से पके। देखिए मक्खन हम पिघल गया है, अब उसमें उबाल आने लग गया है। इसे हल्का हल्का ऊपर ऊपर चम्मच चला देंगे, क्योंकि जो घी है वो ऊपर आ जाएगा। देखिए हमारा घी जो है वो पक के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे इस स्टेज पे भी निकाल सकते हैं, घी को बंद कर सकते हैं गैस। और अगर आपको थोड़ा और सुनहरा कलर चाहिए तो इसके लिए आप इसको हल्का सा और पका सकते हैं। ये आपको येलो के बाद हल्का ब्राउनिश नज़र आएगा, इससे घी में एक सोंधापन आ जाता है। देखिए हमारा घी निकल चुका है, हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब घी हमारा अच्छे से पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक जार में भर लेंगे। जार में भरने के लिए हम इसे छान लेंगे। याद रहे इसे घी को कांच के जार में ही रखें और ठंडा होने पर ही इसे छान कर भर लें। घी हमारा निकल गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।